आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसदादे मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी भी दिन के मनाने का मकसद उस दिन की अहमियत और उस इशू के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आज तक इंसदादे मनशियात के कवानीन तो बनाए गए, लेकिन इनके ऊपर ना तो अमल दरामद हो सका और ना इसकी फरोख्त पर कहीं पाबंदी लग सकी, बल्कि कानून नाफज करने वाले अदारे इन अनासर को पूरी पुष्ट बनाही दिए हुए हैं। पाकिस्तान में मनशियात की फरोख्त और मनशियात के इस्तेमाल करने वालों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कानून नाफज करने वाले अदारे इनके सामने बेबस नज़र आते हैं। चनाब नगर में भी मनशियात फरोशी का धंधा अपने अरूज पर है। महल्ला चमनाबास, बाबुल अबवाब, खिचियाँ, छन्नियाँ, चुंगी नंबर 3, जबाना, डावर और बुर्ज बाबल, हत्या के लालिया में भी मनशियात फरोशी का धंधा अपने अरूज पर है और पुलिस अहरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनको पूरी सरपरस्ती दिए हुए हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर भी खुलेआम ड्रग्स की फरोख्त हो रही है। इंसानी जानों को बचाने का अद्वियात का कारोबार करने वाले बड़ी दीदा दलेरी से सरेआम मनशियात फरोख्त कर रहे हैं और इन दुकानों से बआसानी नशा करने वालों को इंजेक्शन और नशावर अद्वियात दस्तियाब है कि हुकूमत इंसदादे मनशियात के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए ताकि आने वाली नस्लों को इससे महफूज रखा जा सके। कैमरामैन सरफराज अहमद लाली के साथ शमशाद चौधरी, रॉयल न्यूज़, चनाब नगर।